हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ये प्रेशर कंट्रोल मॉड्यूल जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज होता है फ्रेंड्स, जो कि डबल पंप हाइड्रोलिक सिस्टम में यदि डबल पंप यूज हो रहा है तो वहाँ प्रेशर कंट्रोल मॉड्यूल यूज होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका मेन पर्पज़ होता है फ्रेंड्स कि अपने को जहाँ पर दो एक ही सिलेंडर में जहाँ पर दो प्रेशर चाहिए या एक प्रेशर एक दो स्पीड चाहिए फ्रेंड्स, वहाँ पर हम डबल पंप यूज करते हैं और इसके लिए प्रेशर कंट्रोल मॉड्यूल यूज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप इसको आपको एक पी सी एम टेन या पी सी एम 20 देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। इसका ये जो 20 या 10 होता है फ्रेंड, पी सी एम 06 या आप वो उसके साइज को दिखाता है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कंट्रोल मॉड्यूल, एक हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रेशर कंट्रोल का जो मॉड्यूल है पी सी एम का, उसका जो डायग्राम है मैंने इसका फोटो खींच के रखा था और आज की इस वीडियो में आपको इसका समझाऊंगा इसका वर्किंग फंक्शनिंग कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले कि यदि आप हमारे चैनल पर नया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स कर दो फ्रेंड्स। तो आइए बिना किसी टाइम कवर हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, एक हाइड्रोलिक मोटर में एक हाइड्रोलिक इस हाइड्रोलिक सिस्टम में एक मोटर होता है और उसमें दो पंप लगे होते हैं उसके साथ, ठीक है फ्रेंड। ये एक उसमें से एक हाई प्रेशर पंप होता है और एक लो प्रेशर पंप होता है। यदि आप यदि उस हाइड्रोलिक सिस्टम में यदि एक ही पंप लगाए तो आप ना आप उसे तो हाई प्रेशर पंप बोलोगे न तो ही उसे लो प्रेशर पंप बोलोगे, ठीक है फ्रेंड्स। जब आपके पास दो पंप लगे हुए हैं तो आप उसमें से एक को लो प्रेशर पंप बोल सकते हो और एक को हाई प्रेशर पंप बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो T1 और T2। T1 जो है रिटर्न लाइन है टैंक का, रिटर्न लाइन टैंक के लिए, यहाँ पे एक पंप के लिए पंप नंबर 1, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे HP है हाई प्रेशर पंप का, T1 टैंक लाइन वन है, ठीक है फ्रेंड। T2 क्या है? लो प्रेशर पंप का टैंक है T2, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे PT क्या है? यहाँ पे आप कोई प्रेशर गेज आप लगा सकते हो फ्रेंड। यदि आपको किसी को दिखाना है कि यहाँ पे HP का कितना हाई पंप प्रेशर कितना प्रेशर जनरेट किया है तो आप वहाँ पे पायलट लाइन से, ये पायलट लाइन है, डॉटेड डॉटेड जो भी लाइन दिख रहा है फ्रेंड्स ये पायलट लाइन है, ठीक है फ्रेंड। LPG का मतलब होता है लो प्रेशर गेज। यदि आपको को आपको उसमें गेज में देखना है कि हमारा लो प्रेशर कितना है, ठीक फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से पायलट लाइन या मैनिफोल्ड के अंदर ही रहता है तो आप यहाँ पे इसका एक कनेक्टर के थ्रू आप यहाँ पे प्रेशर गेज अपना कनेक्ट कर सकते हो और आप देख सकते हो कि हमारा लो प्रेशर कितना है, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं आपको इसका कंपोनेंट बता दूँ, ये भी देखो सिंगल एक्टिंग DC वाल्व है, डायरेक्शन सोलेनोइड ऑपरेटेड, ये भी सिंगल एक्टिंग डायरेक्शन सोलेनोइड ऑपरेटेड, ये है प्रेशर रिलीफ वाल्व, ये है कैटराइज लॉजिक वाल्व, ये भी कैटराइज लॉजिक वाल्व है, ये ओरिफिस है, ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्लो कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। ये HPG का मतलब होता है फ्रेंड्स हाई प्रेशर गेज, ठीक है फ्रेंड्स। HPG यहाँ पर आपके हाई HP पंप जो कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है हाई प्रेशर पंप, वो आप यहाँ पे एक गेज लगा के प्रेशर गेज लगा के कनेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। और ये अपना ये भी कैटलाइज लॉजिक वाल्व पे, ये फ्लो कंट्रोल के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। और ये अपना है फ्रेंड्स प्रेशर रिलीफ वाल्व सोलेनोइड ऑपरेटेड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो सारा सिस्टम है। अब इसका फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं फ्रेंड्स। इसका यूज़ वहाँ पे करते हैं जैसे कि अपना कोई एक सिलेंडर है, ठीक है फ्रेंड्स, और आपको इसमें दो स्पीड चाहिए या दो प्रेशर चाहिए। इसका मतलब ये है फ्रेंड कि आप चाहते हो कि जैसे ही आपका जो सिलेंडर है वो कुछ दूर स्लो मूव करे, फिर कुछ दूर फास्ट मूव करे, फिर प्रेसिंग मोड आए तो फिर उसका हाई प्रेशर पंप चालू जाए। इसका मतलब यह है कि फ्रेंड अपना जो जैसे अपना सिलेंडर फॉरवर्ड मूव करेगा फ्रेंड्स, उसका HP पंप और LP पंप दोनों चालू हो जाए, ठीक है फ्रेंड। और जैसे ही उसका प्रेसिंग मोड है, कोई प्रेस है मान लो तो उसका प्रेसिंग मोड आए तो अपना LP पंप जो है वह बंद हो जाए और HP चालू हो जाए, मतलब हाई प्रेशर पंप चालू हो जाए, चालू रहे, तो उसका उसको दबाने में उसका प्रेस करने में प्रेस मशीन में इसका काम होता है, ठीक है। तो मतलब यदि आपको जैसे कोई चीज़ है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मान लो कोई आप चाहते हो कि हमारा जो सिलेंडर है फ्रेंड्स वह फास्ट मूव करे, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे क्या है कि हाई प्रेशर पंप से भी ऑयल जाएगा और लो प्रेशर पंप से भी जाएगा तो एक साथ, तो अपना जो सिलेंडर है फ्रेंड्स वो फास्ट मूव करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए हम लोग इसका दो पंप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, HP और LP, हाई प्रेशर पंप लो प्रेशर पंप। जैसे अपना हाई प्रेशर पंप फ्रेंड्स प्रेशर जनरेट करेगा तो वो यहाँ से सीधे इस लाइन से होते हुए यहाँ पे जाएगा और ये कटलाइज लॉजिक वाल्व, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि इसमें पपेट होता है
उस पपेट को ये यहाँ से फ्लो जाएगा और उसको दबा देगा। जब दबा देगा फ्रेंड्स तो अपना ऑयल जो है इधर से वापस नहीं आएगा और ये जो ऑयल है फ्रेंड्स वो सीधे यहाँ चला जाएगा। ये प्रेशर रिलीफ वाल्व है ठीक फ्रेंड्स। यहाँ पे एक एक ये स्प्रिंग है और यहाँ पे इसका पायलट लाइन से इसको ये जो इसमें पपेट होता है ठीक है वो उसको दबाता है। तो अब जितना स्प्रिंग से सेट करवाएगा इसका टेंशन ठीक है फ्रेंड्स उतना ही प्रेशर उतना ही ऑयल यहाँ से इसके आउटपुट से बाहर आएगा फ्रेंड्स ठीक है आउटलेट से। इसके बाद देखो फ्रेंड्स यही जो है यहाँ पे ये जैसे ही अपना हाई प्रेशर पंप चालू देंगे तो ये वाला जो पंप है फ्रेंड्स फ्रेंड्स चालू हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ये वाला चालू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हाँ ये देखो फ्रेंड्स अपना ये वाला जो यदि HP चालू हो जाता है फ्रेंड्स तो क्या होगा कि अपना ये जो पोजीशन है फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जब फ्रेंड्स आ जाएगा तो यहाँ से ऑयल व रिटर्न इधर से टैंक लाइन में नहीं जाएगा T1 टैंक में ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से इसको ब्लॉक कर देगा तो इधर से ऑयल नहीं जाएगा यहाँ पर प्रेशर डेवलप हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स। और यह प्रेशर जो डेवलप हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपको सिलेंडर में चला जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स यदि अपना HP पंप बंद है तो क्या होगा कि HP पंप बंद है तो सारा जो ऑयल है फ्रेंड्स वो रिटर्न लाइन में चला जाएगा फ्रेंड्स ठीक है टैंक लाइन में चला जाएगा। यदि यदि कॉयल में जब तक सप्लाई नहीं जाएगा यदि कॉयल में यदि अपना HP पंप चालू हो गया और कॉयल में सप्लाई नहीं जा रहा है तो यहाँ से सारा ऑयल यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए इस लाइन से होते हुए फ्रेंड्स अपना इधर सीधे टैंक लाइन में चला जाएगा। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखो यहाँ पे इसका कंडीशन ये है कि अपना हाई प्रेशर पंप यदि चालू होता है तो अपना ये भी सोलनॉइड ऑपरेटेड वाल्व भी चालू हो जाना चाहिए। यदि ये चालू नहीं होगा तो क्या होगा कि सारा जो ऑयल है यहाँ से फ्रेंड्स हाई प्रेशर का यहाँ से सारा इस रास्ते से होते हुए टैंक में चला जाएगा ठीक है फ्रेंड्स ऑयल ड्रेन हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स अपना यदि लो प्रेशर पंप चालू हो जाता है तो क्या होगा कि यहाँ से सारा ऑयल रिटर्न आ जाएगा टैंक लाइन में T2 में चला जाएगा फ्रेंड्स ठीक है। अब इसको कैसे ब्लॉक करना है फ्रेंड्स तो अब क्या होगा कि अपना ये जो सोलनॉइड ऑपरेटेड वाल्व सिंगल एक्टिंग है फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है यदि 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 अपना ये जो अपना कॉयल का सप्लाई नहीं है तो यहाँ से सारा जो ऑयल है इस रास्ते से होते हुए यहाँ से होते हुए सारा टैंक में चला जाएगा फ्रेंड्स ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ से होते हुए टैंक में चला जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे कि आप यदि यदि आप LP पंप चालू हो गया आपका तो यहाँ से क्या होगा और ये भी ये वाला जो DC वाल्व है ये भी चालू हो गया इसमें भी सप्लाई जा रहा है तो यहाँ से जो है फ्रेंड्स इसको इसको ढकेलेगा लेकिन क्या होगा कि यहाँ से रास्ता इसका बंद हो जाएगा ये वाला ये जो पोजिशन यहाँ पर आ जाएगा ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा ये वाला जो पोजीशन है यह इस पोजीशन पे आ जाएगा तो यहाँ पे इसका ऑयल इधर को नहीं जाएगा इधर नहीं आएगा तो यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा तो फ्रेंड्स ये सोलनॉइड ऑपरेटेड वाल्व प्रेशर रिलीफ वाल्व है तो ये एक चालू हो जाएगा फ्रेंड्स तो अपना यहाँ पे प्रेशर डेवलप होने लगेगा तो ये इसके पपेट को लॉक कर देगा फ्रेंड्स तो इधर से ऑयल नहीं आएगा ठीक है फ्रेंड्स। जब प्रेशर नहीं मतलब ऑयल नहीं आएगा टैंक में तो क्या होगा कि यहाँ पर प्रेशर डेवलप होगा जब प्रेशर डेवलप होगा फ्रेंड्स तो इसका जो लो LP का प्रेशर ये वैल्यूम ज़्यादा होता है फ्रेंड्स जैसे LP और HP का वैल्यूम कम होता है ऐसा इसलिए करता है फ्रेंड्स कि अपना ऑयल हीट ना हो ठीक है फ्रेंड्स। जब यहाँ से प्रेशर डेवलप होगा तो इसके पपेट ऊपर ढकेलेगा और यहाँ से ये ऑयल होते हुए अपना चला जाएगा फ्रेंड्स ठीक है। आपको आपके जहाँ पर रिक्वायर्ड सिलेंडर की लाइन ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर ये चला जाएगा इसका मेन पर्पज ये। यदि आपका यहाँ पे आपको मैं समझ में आएगा कि ये जो HP होता है फ्रेंड्स उसका वैल्यूम कम इसलिए रखते हैं क्योंकि अपना जो ऑयल है वो फ्रेंड्स हीट ना हो और जो LP होता है फ्रेंड्स उसका जो लो प्रेशर जो होता है उसको इसलिए रखते हैं ताकि उसका वैल्यूम ज़्यादा होता है और उसका प्रेशर यदि उस सरफेस एरिया के लिए उस पार्टिकुलर मतलब सरफेस के लिए यदि यदि LP है वैल्यूम ज़्यादा है तो स्वाभाविक से बात है कि उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। और HP का फ्रेंड्स क्या होता है कि ये जिस सरफेस पे फोर्स लगाता है प्रेशर लगाता है उसका कम होता है
उस कम सरफेस एरिया पर लगाता है, लेकिन इसका जो प्रेशर होता है फ्रेंड्स वो ज़्यादा होता है इसीलिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका मेन पर्पज है। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो हमारा बहुत पसंद आया होगा, और हमारे चैनल पर नया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोलिक के और किसी दूसरे कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो पर सीखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।